राजस्थान विश्वविद्यालय में आज कुलपति भवन के सामने छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। दरअसल छात्र नेता अनिकेत शर्मा ने आज विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर कुलपति सचिवालय भवन पर धरना दिया। छात्र नेता अनिकेत शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय में अनेक समस्याएं हैं, जिनमें प्लेसमेंट सेल उपलब्ध कराई जाए, रिकाउंटिंग में अंक परिवर्तित होने पर रिकाउंटिंग राशि वापस की जाए, छात्र संघ चुनाव कराए जाए, महाविद्यालय में बैठकर पढ़ने के लिए लाइब्रेरी उपलब्ध कराई जाए, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर ई रिक्शा नियमित रूप से चलाया जाए, ऐसी ही और मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया है। सुनिए छात्र नेता अनिकेत शर्मा ने क्या कुछ कहा। हमने पूर्व में कई बार राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति को अवगत कराया कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर काफी समस्याओं का सामना छात्र को करना पड़ता है। अगर राजस्थान विश्वविद्यालय में जो छात्र एडमिशन लेता है उसका मेन मुद्दा है प्लेसमेंट, तो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर प्लेसमेंट सेल ही उपलब्ध नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि प्लेसमेंट सेल उपलब्ध हो। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी छात्र हैं जो रिवेल्यूशन लगाते हैं, तो उनको रिवेल्यूशन के जो अंक परिवर्तित होते हैं उनमें रिवेल्यूशन की राशि वापस करें। किसी छात्र के अगर 20 नंबर आते हैं और रिवेल्यूशन में 60 या 65 हो जाते हैं, 70 हो जाते हैं, तो उसमें छात्र मेंटली भी डिस्टर्ब होता है और फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब होता है। तो उसमें कॉपी चेक करने वाले की गलती छात्र को भुगतनी पड़ती है। तो हम ये चाहते हैं कि जो रिवेल्यूशन की राशि है, अंक परिवर्तित होते हैं, तो वो छात्र को वापस की जाए। और हम ये देखते हैं कि इस बार जो रिजल्ट आया है बीकॉम बीएससी जितने भी छात्रों का रिजल्ट आया, वो 80% बच्चे नेगेटिव फेल है लगभग। तो हम ये देखते हैं किसी की बैक आ रही है, किसी की क्या आ रही है। तो ये क्वेश्चन मार्क राजस्थान विश्वविद्यालय के ऊपर भी उठता है कि उन्होंने किस प्रकार की कक्षाएं दी है, किस प्रकार का क्या है। हम तो ये चाहते हैं कि नई शिक्षा नीति आई है तो उसको एक ईजी वे में कॉपी चेक करके छात्रों को उपस्थित की जाए। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय इतना बड़ा है उसके अंदर कैब्स या ई रिक्शे की उपस्थिति की जाए। दिया कुमारी जी ने 4 ई रिक्शे राजस्थान विश्वविद्यालय को अलॉट किए पर वो चलते कहीं पर भी नहीं है। हम ये मानते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर लाइब्रेरी जरूर होनी चाहिए, आप सभी जानते हैं, पर महाविद्यालय के अंदर बैठकर पढ़ने की सुविधा नहीं है, केवल बुक इशू की जाती है। हमने पहले भी इनको चेतावनी दी थी और आज हमने धरना प्रदर्शन भी किया, खून से ज्ञापन भी लिखा। हमारा अनिश्चितकालीन धरना आज से प्रारंभ किया जा रहा है। हम वन कोर्स वन फीस की डिमांड करते हैं। एक ही विश्वविद्यालय के कॉलेज में अलग अलग फीस है, वही सेम कोर्स की। बीसीए कॉमर्स कॉलेज में अलग फीस है, बीसीए महाराजा कॉलेज में अलग फीस है, बीसीए महारानी कॉलेज में अलग फीस है। एक ही विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज में सेम फीस का कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। अगर हम बात करें कि हमारे माँ बाप किसी बच्चे को अलग चाहे, किसी को अलग चाहे, तो ये असंभव है। हम ये चाहते हैं कि अपन अगर बात करें कि 15,000 से अधिक अगर किसी की फीस होती है तो उसको इंस्टॉलमेंट में लिया जाए। हर सेमेस्टर की 45,000 रुपये फीस है लॉ की। आश्वासन तो हमेशा ही मिलते आ रहे हैं। पहले भी हमने जब पूर्व में ज्ञापन दिया, हमारे पास रिसीविंग है इनकी, तो हमने 15 दिन पहले भी ज्ञापन दिया था, तो उसकी रिसीविंग दे दी और करते हैं आज भी केवल करते हैं ये कह के बात टाल दी जाती है। तो हम कब तक इसको सहते जाएंगे? अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, कुलपति सचिवालय का घेराव करेंगे और जरूरत पड़ी तो आगे और भी उग्र होने का हम सब तैयार बैठे हैं। छात्र की मांगे पूरी नहीं होगी तो हम अड़े रहेंगे। अनिकेत शर्मा, छात्र प्रतिनिधि, राजस्थान विश्वविद्यालय। जिंदाबाद।